आखिरी सोमवार है और इसी सोमवार को आप सभी को बता दूं कि आज मंदिरों के अंदर भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है, शिव के जयकारे गूंजते हुए नजर आए हैं, बम बम भोले के जयकारों से पूरा धौलपुर गूंजता हुआ नजर आया है और धौलपुर के अंदर तमाम बड़े बड़े मंदिरों के अंदर आज भारी मात्रा में श्रद्धालु नजर आए हैं। तो हम आप सभी को दिखाते हैं कि आज सावन के आखिरी सोमवार में क्या कुछ माहौल मंदिरों के अंदर बना हुआ था। धौलपुर में शिव आराधना के अंतिम श्रावण सोमवार पर जिले भर में भोले की भक्ति का उल्लास छाया हुआ है। इस अवसर पर बन रही पुत्रदा एकादशी के साथ रवि योग के संयोग में भूतेश्वर, अचलेश्वर, चोपड़ा महादेव, सैपव महादेव मंदिर सहित 6 से अधिक शिव स्थानों पर सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। जिले भर के सभी शिव मंदिरों में अभिषेक पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ भी लगना शुरू हो गई। वहीं सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब भी उमड़ पड़ा। हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगाजल लेकर आने वाले शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लग गया। तमाम शिव भक्त रात से मंदिरों में डटे रहे। सुबह 4 बजे मंदिरों के कपाट खुलते ही जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार लग गई और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय भी गूंज गए। जलाभिषेक का सिलसिला सुबह करीब 12 बजे तक अनवरत चलता रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है। मंदिरों के सेवादारों ने भी व्यवस्था बनाने में सहयोग किया है और सावन माह के आखिरी सोमवार पर सैपव महादेव पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाहर से ही जलाभिषेक की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के बाहर एक पात्र लगा करके पाइप के जरिए लोगों से जलाभिषेक कराया गया और इस दौरान पूरा मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।